हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर क्लास रवि सर जी मैथ्स, द इजियर एंड बेटर वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इन आर टुडेज वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, बाय सीइंग दिस थंबनेल यू कैन गेट द आइडियाज विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। Students, before starting today video lessons, if you are new to this channel, just subscribe and don't forget to hit the bell icon. Okay, students, let us see the first question. The first question is state that a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong comes under. Question, students, ये question में ऐसा है कि a trial is made to answer a true false question. एक टाइप का क्वेश्चन है और उसका आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में देना है। सो व्हाट जो इसका ऑप्शंस है, दैट विल बी श्योर इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, मोर लाइकली इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, हियर विल बी द बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट होगा? बिकॉज स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो ही ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। द क्वेश्चन माइट बी ट्रू आर माइट बी फॉल्स। सो सिंस द आंसर इज आइदर ट्रू आर फॉल्स, द 50-50 चांस, दैट्स वाई इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू वॉट? ओके स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वॉट? वन। Why is it one? Suppose you have a coin. If you are tossing the coin, probability of getting head 1/2, and probability of not getting head means you are getting tail. It is also 1/2. So you will add 1/2 plus 1/2. So what you are getting? 1. So simple explanation of this question is what? If event is having an occurrence of happening numerical with some ratio, because कोई ना कोई एक ratio आएगा ही आएगा, then the occurrence of not happening of the same event will be remaining ratio, और जो नहीं हो रहा है उसका भी उस incident का भी ratio वन कुछ ratio में ही आएगा। Hence we can add both numerically ratio, we will get what? 1. So आप दोनों ratio को add करोगे तो 1 आएगा। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कोई भी इवेंट का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? सो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि कोई भी इवेंट 1 और 2 के बीच में आता है, या 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। सो 2.3 नहीं हो सकता, -1.5 भी नहीं हो सकता। 15% को आप क्या राइट कर सकते हो? 15/100। क्या राइट कर सकते हो? 15/100। एंड 15% भी नहीं हो सकता। एंड डी इज 0.7। हियर द करेक्ट आंसर विल बी 0.7, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में ही आता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी आ सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, विच इज 0.7. So we know that possibility of an event is always lies between 0 and 1. Therefore the answer will be 0.1. Okay students, now moving to the question number 4. 80 bulbs are selected at random from a lot and their lifetime in hours is recorded in the form of a frequency table given below. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 80 बल्ब्स का कलेक्शन ले रहे हो और वो 80 बल्ब्स कितने कितने घंटे चले हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। सपोज़ यहाँ पे क्वेश्चन में है 300 आर्स, कितने ऐसे बल्ब हैं जो 300 आर्स तक चले हैं? देयर आर 10 बल्ब। 500 आर 12 बल्ब। 700 आर्स 23 बल्ब। 900 आर्स 25 बल्ब्स। एंड 1100 आर्स कितने बल्ब चले हैं? 10 बल्ब्स चले हैं। वन बल्ब इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स लाइफ इज 1150 आर, राइट? सो स्टूडेंट्स, ये डेटा से आप देख सकते हो कि ऐसा कोई भी बल्ब नहीं है जो 1150 आर्स तक चला है। सो द
पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी जीरो बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट. इज इट क्लियर? बिकॉज स्टूडेंट्स 1150 डेटा में कहीं पे भी नहीं है. मैक्सिमम आपका कितना है? 1100 है. 1100 आर्स तक 10 बल्ब्स चला है, बट ऐसा कोई भी बल्ब नहीं है, नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बल्ब्स हैं जो 1150 टाइम 50 आर्स तक जला हुआ हो. राइट? मींस उसकी लाइफ टाइम हो. सो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी जीरो बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट. Now students, moving to question number 5 over here. Three coins are thrown simultaneously 60 times with the following frequency: 3 times heads, 10 times 2 heads, 5 times 1 head and 80 times no heads. Head 27p. So getting 3 head plus getting no head. So हमको find क्या करना है students? 27 टाइम 3 हेड्स हों और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स विच विल बी इक्वल टू. सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने टाइम है? 60 टाइम्स है. सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 60. अब गेटिंग 3 हेड्स, अब 3 टाइम हेड्स कितनी बार आया हुआ है? 10 टाइम. एंड गेटिंग नो हेड्स और एक भी बार हेड नहीं आया वो कितने टाइम है? 27 टाइम. सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 37. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. सो हाउ मेनी फेवरेबल इवेंट ओवर हियर? 37. एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 60 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स इज इक्वल टू 10 प्लस 27 इज इक्वल टू 37 डिवाइड बाई 60. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स इज वॉट? 37/6. नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. दिस क्वेश्चन रिफर टू क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब इज सेलेक्टेड रेंडम फ्रॉम द लॉट हैज लाइफ लेस देन 900 आर. मीन्स स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है कि ऐसे कितने सारे बल्ब की हैं जो 900 आर से कम टाइम तक जिनकी लाइफ टाइम थी, मतलब वो ग्लो हुए हैं. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. वाई इट सो? बिकॉज टोटल जो बल्ब हैं वो 80 हैं. राइट? ई बी द इवेंट बल्ब सेलेक्टेड हैज़ लाइफ हैज़ 900 लेस. हमको ऐसे बल्ब सेलेक्ट करने हैं जो 900 लेस है. सो कौन कौन से बल्ब ऐसे हैं? 10 बल्ब, 12 बल्ब और 23 बल्ब. सो 45 बल्ब ऐसे हैं जो 900 से कम टाइम तक उनकी लाइफ टाइम रही. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन राइट व्हाट? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. सो फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं आपके? 45. जो ऐसे बल्ब हैं जो 900 आर से कम लाइफ टाइम जला हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 80 है. सो 45/80, सो यू कैन सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट 9/16. ओके स्टूडेंट्स नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. इन अ सैम्पल स्टडी ऑफ 462 पीपल्स इट वॉज फाउंड दैट 514 पीपल हैव अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट. इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको 642 पीपल्स का सैंपल लेना है, उसमें से 514 पीपल लोगों के पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है. तो इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड, आपको उसमें से पर्सन को सेलेक्ट करना है जिसके पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट हो, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. राइट स्टूडेंट्स? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं? 642. ऐसे पीपल्स कितने हैं जिनके पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट हो? 514. सो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, फेवरेबल इवेंट जो है 514 है. टोटल इवेंट 642 है. राइट? सो 514 एंड डिवाइड बाई 642 यू विल गेट 0.8. नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. इन अ सर्वे ऑफ 364 चिल्ड्रेन एज्ड 90 to 36 मंथ का एज हो, इट वॉज फाउंड दैट 91 लाइक्स टू ईट पोटैटो चिप्स.
if a child is selected at random, the probability that he or she does not like to eat potato chips. Students, ये question के अंदर आपको 364 children के samples हैं, उसमें से जो एज है बच्चों की वो 19 मंथ से लेके 36 मंथ तक है. अब उसमें 91 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पोटैटो चिप्स लाइक करते हैं. तो हमको फाइंड करना है कि ऐसे कितने सारे इस चाइल्ड हैं जो बच्चे हैं वो पोटैटो चिप्स लाइक नहीं करते, राइट. सो फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रेन है वो 364 है. 91 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पोटैटो चिप्स लाइक नहीं करते. सो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पोटैटो चिप्स, सॉरी 91 ऐसे हैं जो पोटैटो चिप्स लाइक करते हैं और कितने ऐसे बच गए जो पोटैटो चिप्स लाइक नहीं करते. तो ऑब्वियसली 364 माइनस 91, सो 273 चिल्ड्रेन ऐसे हैं जो पोटैटो चिप्स लाइक नहीं करते. और इन्हीं 273 स्टूडेंट्स का हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट लाइकिंग पोटैटो चिप्स, सो कितने स्टूडेंट जो पोटैटो चिप्स लाइक नहीं कर रहे हैं, 273 चिल्ड्रेन हैं. और हमारे पास जो सैंपल है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हैं, 364. सो एज पर द डेफिनेशन फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं अकरेंस हैं वो 364 है और हमारे फेवरेबल इवेंट कितने हैं, 273 है. सो यू कैन सिंप्लीफाई दीज थिंग्स एंड फाइनली यू विल गेट वॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक पोटैटो चिप्स इज 0.75. Now students, moving to question number 9 over here. In this question, two coins are tossed 1000 times and the outcomes are recorded as two times head आए उसकी जो frequency है वो 200 time है, one time head आए उसकी frequency 550 time है और zero time heads आए उसकी frequency 250 है. Based on this information, the probability of the most one head, तो सबसे ज़्यादा बार head आया हो उसकी probability find करनी है. So students, you can see that कि total number of outcomes 1000s है और मैक्सिमम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होगा कि कम से कम वन हेड, वन से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा. तो 250 टाइम वन हेड आया है और 200 टाइम तक स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा वन हेड, उससे कम रहेगा तो चलेगा. सो 250 टाइम्स जो है वो ज़ीरो टाइम हेड है और वन टाइम हेड 550 टाइम्स है. सो दिस विल बी योर फेवरेबल इवेंट. सो 250 प्लस 550 मीन्स 800 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1000. सो 800 डिवाइड बाई 1000 यू आर गेटिंग वॉट 4/5. नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. इन अ एक्सपेरिमेंट अ कॉइन इज टोस्ड 500 टाइम. कोई एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में आप कॉइन को 500 टाइम टोस्ट कर रहे हो. इफ द हेड टर्न अप 280 टाइम हेड आ रहे हैं, द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज, सो हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट टोटल नंबर ऑफ आपके जो आउटकम से वो 500 है, नंबर ऑफ हेड्स आए 280 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, सो हेड आने की जो चांस आउटकम से वो 280 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 500 है. सो 280 डिवाइड बाई 500 यू कैन सिंप्लीफाई दीज थिंग्स यू विल गेट 14/25. सो करेक्ट आंसर इज ए. नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. A coin is tossed 500 times, head appear 300 times. The sum of the probability of getting head and the probability of getting tail is what? So students, हमने पहले इस टाइप का क्वेश्चन स्टडी किया है कि probability of getting an event plus probability of not getting an event. यहाँ पर आप students आप हेड फाइंड कर रहे हो और वापस आप हेड फाइंड नहीं कर रहे हो, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवेंट प्लस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट दैट इवेंट इज ऑलवेज ज़ीरो. सो फाइनली स्टूडेंट्स वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वॉट 1. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट.
Now students, question number 12. Packet of salt each marked with 2 kg, right? Actually contain the following weight. एक packets of salt है और उस salt के ऊपर 2 kg write किया हुआ है. But generally हम जब weight करते हैं तो salt थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. किसी में 1.980 ग्राम है, किसी में 2 kg exactly है, किसी में 2.025 kg है, किसी में 1.85 एंड सिमिलरली अलग अलग पैकेट में थोड़े थोड़े वेरिएशंस है. एग्जैक्टली 2 kg किसी में नहीं है, राइट स्टूडेंट्स. सो आउट ऑफ दिस पैकेट वन पैकेट इज चूजन एट रैंडम. और इन सारे पैकेट्स में आपको एक पैकेट्स लेने हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजन पैकेट कंटेन लेस देन 2 kg ऑफ सॉल्ट. तो ऐसे कितने पैकेट हैं जिसमें 2 kg से कम सॉल्ट हो. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन यू कैन सी दैट विच पैकेट हैविंग लेस देन 2 kg सॉल्ट. सो 1.9, देन उसके बाद 1.85, देन 1.990, 1.950. सिमिलरली ऑलमोस्ट देयर आर 6 ऐसे पैकेट हैं जिसके अंदर जो सॉल्ट का अमाउंट है वो 2 kg से लेस है. और हमारे पास टोटल पैकेट्स कितने हैं, 12 है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट. फेवरेबल आपके आउटकम 6 हैं और टोटल पैकेट्स कितने हैं, 12. सो 6/12 यू आर गेटिंग 1/2. सो करेक्ट ऑप्शन 1/2. ओके स्टूडेंट, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. अ डाई इज टोस्ड 200 टाइम. एक डाई को आप 200 टाइम थ्रो कर रहे हो एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन आउटकम्स आर गिवन बिलो. 1 आया 15 टाइम, 2 आया 40 टाइम, 3 आया 25 टाइम, 4 50 टाइम आया, 5 65 टाइम और 6 कितने टाइम आया, 5 टाइम आया, राइट स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5. तो 5 आया हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट 5 कितने टाइम आया, 65 टाइम्स. आपने टोस कितने टाइम किया, 200 टाइम. सो यू कैन राइट व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज इक्वल टू 65/200, बिकॉज 65 आपका फेवरेबल इवेंट्स है और आपने कितने टाइम अटेम्प्ट किया, टोटल 200 टाइम्स. सो 65/200 you can simplify, you will get 13/40, which is option number B. Okay students, now see the question number 14. A machine generated these 10 codes. ये कोई मशीन 10 codes generate किया हुआ है, 0A1, AAA, ABC, 2B1, like that way, trip up to 333. A code is drawn at random to अलॉट एन एम्प्लॉई. इस कोड को उठाना है और पर्टिकुलरली एम्प्लॉई को देना है. द प्रोबेबिलिटी दैट द कोड हैव एट लीस्ट 2 डिजिट्स. तो ऐसे कोड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपने जो चूज़ किया हुआ कोड उसमें कम से कम 2 नंबर्स हों, 2 डिजिट्स हों. तो ऐसे कितने सारे कोड्स होंगे जिसके अंदर 2. लेट अस काउंट. 0A1 फर्स्ट हो गया, AAA में तो कोई डिजिट है नहीं, ABC में भी कोई डिजिट नहीं है, 2B1 इस ये सेकेंड हो गया, 3B7 इसमें भी 2 डिजिट्स आ गए, BB2 इसमें नहीं आएगा, 1AC इसमें भी नहीं आएगा, 111 एटलीस्ट 2 है तो मतलब एक 2 तो चलेगा, 2 से ज़्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा, 222 भी चलेगा और 333. सो टोटल्स कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं. तो 6 ऐसे कोड्स जनरेट हुए हैं जिसमें कम से कम 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स हैं. सो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, 6 हो गए. और टोटल जो कोड्स बने हैं वो कितने हैं, 10 हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कोड एट लीस्ट विथ 2 डिजिट 6/10 एंड 6/10 कैन बी सिंप्लीफाइड, यू आर गेटिंग 3/5. सो 3/5 इज ऑप्शन नंबर बी. सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 15. अ डाई इज टोस्ड 270 टाइम एंड द रिजल्ट वेयर एज फॉलोज. एक डाई को आप 270 टाइम टोस्ट कर रहे हो और आपको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, 140 टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम आ रहा है, 65 टाइम, 3 60 टाइम, 4 32 टाइम आया, 5 55 टाइम आया और 6
18 टाइम आया. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर वन और थ्री, वन आए या फिर थ्री आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट वन आए तो उसमें आपके फेवरेबल इवेंट 40 हुए और थ्री आए उसकी फेवरेबल इवेंट्स कितने 60 आए. सो वन भी आए या थ्री भी आए, सो 40 प्लस 60 विल बी योर फेवरेबल इवेंट. सो 40 प्लस 60 इज इक्वल टू व्हाट 100 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 270. सो 100 बाई 270, सो यू कैन सिंप्लीफाई, यू आर गेटिंग व्हाट 10/27 विच इज ऑप्शन नंबर डी. ओके क्वेश्चन नंबर 16. In a cricket match, a batsman hits a boundary 4 times out of 25 balls he plays. The probability of he hit a boundary is. Students, यहाँ पे जो cricket batsman है वो 25 balls play करने के बाद 4 boundary लगाता है. So the probability of that he hit a boundary, तो उसने boundary लगाया उसकी क्या probability होगी. तो obviously उसने 25 ball face किए और 4 बाउंड्री हिट किए. सो व्हाट विल बी आंसर, फेवरेबल इवेंट्स आपके 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं 25 है. सो 4/25. क्वेश्चन नंबर 17. अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम एंड हेड अपीयर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, राइट स्टूडेंट्स. द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 100 है. हेड अपीयर्स यहाँ पे मिस हो गया है, सो हेड अपीयर 64 टाइम है क्वेश्चन के अंदर, सो यू कैन करेक्ट इट. 64 टाइम हेड आ रहा है, सो टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 100 टाइम अटेम्प्ट किया आपने, 64 टाइम हेड आया, तो कितने टाइम टेल आया होगा. सो 100 माइनस 64, सो 36 टाइम टेल आया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, सो कितने टाइम टेल आ रहा है 36, टोटल अटेम्प्ट कितने आपके 100. सो द आंसर विल बी 9/25. सो 9/25 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन. सी द क्वेश्चन नंबर 18. फॉलोइंग आर द एजेस इन ईयर ऑफ 360 पेशेंट्स गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल. यहाँ पे 360 पेशेंट्स हैं अलग अलग एज के और उनको हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. सो 10 से 20 एज वाले कितने पेशेंट हैं 90, 20 से 30 एज वाले 50%, 30 टू 40 एज वाले कितने पेशेंट है 60, 40 टू 50 एज वाले 80% है और 50 से 60 एज वाले 50% है और 60 से 70 एज वाले 30% है. सो वन ऑफ द पेशेंट इज सेलेक्टेड रैंडम, कोई भी एक पेशेंट को आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है. द प्रोबेबिलिटी दैट हिज एज इज 30 ईयर आर मोर बट लेस देन 40 ईयर्स, जो उसकी एज है 30 से ज़्यादा हो बट 40 से कम हो, राइट स्टूडेंट्स. यहाँ पे उस पेशेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी एज 30 ईयर्स हो या 30 से ज़्यादा बट 40 से लेस होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले नंबर ऑफ पेशेंट विथ एज 30 से 40 के बीच में कितने पेशेंट होंगे, 30 से 40 के बीच में 60 पेशेंट हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं 360 है. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेशेंट एज 30 ईयर आर मोर बट लेस देन 40 ईयर 60/360, बिकॉज आपके जो पेशेंट हैं जिसकी एज 30 और 40 के बीच में है वो 60 पेशेंट है और टोटल पेशेंट्स के सिंपल्स कितने हैं 360 है. सो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, सो यू कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग्स. सो द करेक्ट आंसर इज 1/6, द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19. द क्वेश्चन नंबर 19 स्टेट्स मार्क ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट ऑफ मैक्सिमम मार्क 100 आर गिवेन एज. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो कि 0 से 15 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 6 स्टूडेंट्स, 15 से 30 मार्क्स लाने वाले 13 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 45 मार्क्स लाने वाले 17 स्टूडेंट हैं एंड सिमिलरली 75 कंटिन्यू दिस वन एंड 75 और उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स. अ स्टूडेंट
ऑफ दिस क्लास इज सेलेक्टेड एट रेंडम, और यहाँ डेटा से एक स्टूडेंट्स को आप सेलेक्ट करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही गेट लेस देन 45% मार्क्स, और उस स्टूडेंट्स की मार्क्स 45 है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो कि 0 से 15 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट्स है, तो ये स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो 45% से कम है। सिमिलरली 15 से 30% मार्क्स लाने वाले 13 स्टूडेंट्स है, और 30 से 45% मार्क्स आने वाले 17, सो 6 प्लस 13 प्लस 70, ये सारे जो स्टूडेंट हैं वो उनके मार्क्स जो हैं वो 45% से लेस हैं, सो आपके फेवरेबल इवेंट्स जो होंगे वो 6 प्लस 13 प्लस 17 इज इक्वल टू 36 होगा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 80, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, सो आपके फेवरेबल जो स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स 45% से कम हैं वो 36 है, और टोटल नंबर जो ऑफ जो स्टूडेंट है वो 80 है, सो 36 और डिवाइड बाई 80 को सिंप्लीफाई करो, यू आर गेटिंग 9/12, सो 9/12 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, मार्क्स ऑब्टेन बाई 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स राइट आर गिवेन एज, सो 0 से 45 मार्क्स 25 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 25 से 50 मार्क्स लाने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, और 50 से 75 मार्क्स लाने वाले 18 स्टूडेंट्स हैं, और 75 से 100 मार्क्स लाने वाले 16 स्टूडेंट्स हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 50% मार्क्स, तो ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनके जो मार्क्स हैं वो 50% से कम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लेते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने हैं 50 है। अब चेक करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो 50% से कम है, सो 50% से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 0 से 25 के बीच में आएंगे जो 4 स्टूडेंट हैं, और 25 से 50 के बीच में आएंगे जो 12 स्टूडेंट्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 50% से कम हैं वो 4 + 12 होगा, इट मीन 16 स्टूडेंट्स होगा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50 है, सो 16 by 50 8/25 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉइन इज टोस्ड 100 टाइम, आप किसी कॉइन को 100 टाइम टोस कर रहे हो विथ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर 64 टाइम हेड आ रहा है और 36 टाइम टेल आ रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट इज, सो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेशियो फाइंड करनी है, इट मीन्स आप हेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो और टेल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और दोनों का रेशियो लो, सो हेड की प्रोबेबिलिटी 64/100 होगा और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 36/100। अब 64/100 और 36/100 की रेशियोज लेनी है, सो रेशियो ऑफ 64/100 एंड 36/100, सो 100-100 कैंसिल होगा 64/36, अब इसको आप 64/36 को सिंप्लीफाई करो, सो यू विल गेट व्हाट 16:9 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, द सैलरी ऑफ 150 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस आर गिवेन, 150 एम्प्लॉयज हैं जिस किसी पर्टिकुलरली कंपनी में काम कर रहे हैं ऑफिस में, और सबकी सैलरी अलग अलग है, 52 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिसकी सैलरी 3000 से 6000 के बीच में है, 35 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 6000 से 9000 के बीच में, एंड सिमिलरली कंटिन्यू करोगे तो आगे की तरफ तो 8 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिसकी सैलरी 15000 या उससे ज़्यादा है, एन एम्प्लॉय इज़ सेलेक्टेड एट रेंडम, किसी एक एम्प्लॉय को आपको रेंडमली सेलेक्ट करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज सैलरी इज 6000 आर मोर, उसकी सैलरी 6000 या उससे ज़्यादा हो बट 12000 से लेस हो। स्टूडेंट्स ऐसे एम्प्लॉय कौन कितने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ आपके एम्प्लॉय देखो कितने हैं 150, अब जिसकी सैलरी 6000 से ज़्यादा हो राइट और 12000 से कम, तो 6000 से 9000 के बीच में इनकी सैलरी है तो ऑब्वियसली 6000 से ज़्यादा होगी तो 35 हो गया, और 12000 से कम मतलब 9000 और 12000 के बीच में हो तो ये 29 एम्प्लॉयज़ ऐसे हो गए, सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़
35+29 ये एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 6000 से ज़्यादा है बट 12000 से कम है। सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हो गए 64 और हमारे यहाँ पे टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं 150। सो फाइनली 64/150 यू आर गेटिंग 32/75 विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। टू कॉइन्स आर टोस्ड 1000 टाइम, राइट। टू कॉइन्स को आप 1000 टाइम टॉस कर रहे हो एंड द आउटकम्स आर, क्या क्या आ रहे हैं आपके आउटकम्स? नंबर ऑफ टेल, टू टाइम टेल आए उसके फ्रीक्वेंसी वो कितने हैं 200 टाइम है, वन टाइम टेल आया वो 550 है और ज़ीरो टाइम टेल आया वो 250 है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट वन टेल। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव डन दिस क्वेश्चंस, स्टिल वी आर गोइंग टू रिपीट दिस अगेन। सो कम से कम वन टेल आए, एटमोस्ट ज़्यादा वन टेल आए, वन से कम होगा तो चलेगा, राइट स्टूडेंट्स। सो 550+250 होगा फेवरेबल इवेंट और टोटल कितने हैं 1000, सो 800/1000, सो 4/5, 4/5 इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। थ्री कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम, आप थ्री कॉइन्स को 200 टाइम टोस्ट कर रहे हो, सो फ्रीक्वेंसीज जो है वो थ्री टाइम हेड आए 23 टाइम, टू टाइम हेड आया 72 टाइम, वन टाइम हेड आया 77 टाइम और ऐसे कितनी बार रहा कि एक भी बार हेड नहीं आया, तो 28 टाइम। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, सो टू हेड कितनी टाइम आया स्टूडेंट 72 टाइम। सो आपके फेवरेबल इवेंट 72 है और टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं 200, सो 72/200, सो यू कैन सिंप्लीफाई इट, यू आर गेटिंग 9/25, सो 9/25 ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। इन अ टोजिंग ऑफ फेयर डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर और नंबर लेस देन 4, आप एक डाइस को डाई को टोस कर रहे हो, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ओड नंबर या फिर 4 से लेस हो, राइट स्टूडेंट्स। सो टोटल नंबर हमको पता है आउटकम्स कितने होंगे 6 होंगे, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम्स आपके पहले तो ओड सेलेक्ट कर लो, तो 1, 3, और 5 ये ओड हैं, बट वो जो आउटकम्स है वो 4 से लेस है, तो 4 से लेस वाले भी आउटकम्स आप ले सकते हो, सो 1, 2, 3। सो फेवरेबल इवेंट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स 4 होगा, सो 4/6 विल बी करेक्ट वन। सो 4/6 कैन बी सिंप्लीफाइड, सो यू आर गेटिंग 2/3, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। इन अ डाई इज रोल्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ग्रेटर देन 3, सो आप डाई को रोल कर रहे हो और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि जो नंबर्स अपीयर होगा वो 3 से ज़्यादा होगा, तो कौन कौन से नंबर 3 से ज़्यादा होते हैं 4, 5, और 6। सो आपके फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए 3 टाइम हुए, राइट 3 हुए और टोटल अटेम्प्ट्स इवेंट्स आपके कितने होंगे 6, बिकॉज एक डाइस को आप रोल करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल सकता है। सो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स आपके 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके 6 हैं, सो 3/6 कैन बी सिंप्लीफाइड, सो यू आर गेटिंग 1/2। इन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सो स्टूडेंट्स इसमें यह बताना है कि ये ऑप्शन में से कौन सा जो होगा वो प्रोबेबिलिटी का के लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा, मींस प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट कोई भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो ऑब्वियसली जो माइनस वाला जो डिजिट है -1.5 ये किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में -1.5 नहीं आता, सो -1.5 कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज वॉट, जो कोई भी एक इवेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है, बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं,
What is the probability that a ball drawn from the bag at random will be neither red nor black? आपको बैग में से बॉल्स को निकालना है, वो जो बॉल है वो रेड भी नहीं होना चाहिए, ब्लैक भी नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो बॉल क्या हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो वाइट बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। सो वाइट बॉल कितने स्टूडेंट्स, 5 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 3 + 5 + 7 15 हुए। सो 5/15, सो यू कैन सिंप्लीफाई इट 1/3। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी आर कंप्लीटिंग टूडेज वीडियो लेसन्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो लेसन। फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्लाइड्स आर गिवेन of multiple choice questions. Keep practicing and try to understand all these questions according to the previous one. Thank you students, thank you so much for watching this video. Thank you once again.